अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको मोटरसाइकिल के मीटर केबल नई रिप्लेस करने का तरीकाकार बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने घर पर मोटरसाइकिल की जो केबल है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि हमारी तमाम वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर किस्म की मालूमात से आगाह किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पुराने मॉडल का जो मोटरसाइकिल है उसकी जो मीटर केबल आपने अगर रिप्लेस करनी है तो यहाँ पर इस तरह आपने सबसे पहले स्क्रू को खोलना है। स्क्रू खोलने के बाद मीटर केबल को बाहर निकालें और उसके बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने थोड़ा सा व्हील को घुमाना है और अंदर जो मीटर की ग्रारियाँ हैं वो आपको पता चल जाएगा कि घूम रही है या नहीं घूम रही। अगर नहीं घूम रही तो आप समझे कि आपके जो मीटर की ग्रारियाँ हैं उनमें मसला है, अगर घूम रही है तो मीटर केबल जो है वो 100% टूट चुकी है। तो ये मीटर केबल जो है ये आप देख सकते हैं ऊपर से टूटी हुई है, नीचे से नहीं टूटी हुई, ठीक है। तो अक्सर जो मीटर केबलें होती हैं वो ऊपर नीचे से ही टूटती हैं लेकिन ये यहाँ पर इस जगह से टूट जाती हैं। तो ये जो केबल है ये ऊपर से ही टूटी हुई है। तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए ऊपर जो मीटर का नट है वो थोड़ा सा लूज़ करेंगे, उसके बाद हम हेडलाइट को खोलेंगे ताकि हमें केबल वगैरह जो है वो हेडलाइट के अंदर से गुजारने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम मीटर की जो केबल है उसको हेडलाइट के अंदर से गुजार रहे हैं, एहतियात से गुजार रहे हैं ताकि कोई तार वगैरह ना, जोड़ वगैरह ना हिल जाए। तो यहाँ पर आपको मीटर केबल जो है वो गुजारने का तरीकाकार दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपने केबल और ऊपर लगे नट को आपने ऊपर की तरफ कर लेना है, केबल को ऐसे बाहर निकालना है, निकाल कर आपने मीटर में पहले फिट करना है और फिर नट को टाइट कर देना है। यहाँ नीचे से फिट करने के लिए सबसे पहले आप व्हील को घुमा लें, घुमाकर इसमें आप केबल को जब अंदर डालेंगे तो वो आसानी से बैठ जाएगी। लेकिन हमें तो पता है, हम इसलिए हमने केबल को बिल्कुल बराबर किया हुआ है, इस वजह से ये केबल आसानी से व्हील में बैठ चुकी है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मीटर चलता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मीटर देख सकते हैं, मीटर जो है वो चल चुका है। इसी तरीके से आप अपने घर पर आसानी से जो मीटर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, मीटर केबल वगैरह डाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ आपने के सवाल आपने पूछना हो तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप हमसे इस नंबर पर चैट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दिया ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।